Hello students, welcome to my channel. We will study population growth curves in this video. अगर आप लोगों ने population attributes जो पिछले videos में discuss करे गए थे, अगर अभी तक वो videos नहीं देखे तो please पहले उन्हें देखो और फिर इस पर आओ, क्योंकि बहुत सारे parameters जो इस video में discuss होंगे वो previous videos में already discuss हो चुके हैं. अब पॉपुलेशन जो है वो दो टाइप्स की ग्रोथ एग्जिबिट करती है. एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और दूसरी होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ. लॉजिस्टिक ग्रोथ, अब दोनों में क्या खास बात है, वी विल टॉक वन बाय वन. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का मतलब है एक्सपोनेंट्स में ऑफस्प्रिंग्स बढ़ेंगे, जैसे 2 से 4 हो जाएंगे, 4 से 8, 8 से 16, मतलब हर बारी डबल होती जाएगी वैल्यू. सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ किन कंडीशंस में होती है, जब रिसोर्सेज इनफाइनाइट होती हैं, मतलब अनगिनत रिसोर्सेज हैं. इसकी वजह से जो ऑप्टिमम ग्रोथ है किसी भी इंडिविजुअल की वो होगी. राइट, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अकर्स व्हेन रिसोर्सेज आर इनफाइनाइट, कोई कमी नहीं है किसी चीज की, तो ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, खाना मिलता जाएगा, बढ़ते जाएंगे और वो अपनी जितना उनकी मैक्सिमम ग्रोथ हो सकती है वो होगी. सो अगर कोई स्पीशीज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करती है तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो अनरियलिस्टिक ग्रोथ है, बिकॉज रिसोर्सेस कभी भी इनफाइनाइट नहीं रहेगी, कभी तो खाने की कमी आएगी. अगर आप एक रूम में 100 kg वीट रख दो और 100 rats को छोड़ दो, बेशक स्टार्टिंग में रिसोर्सेज इनफाइनाइट है वो 100 rats के लिए, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो जो आपने 100 kg वीट रखी थी, गेहूं रखी थी, वो अब फाइनाइट हो जाएगी. राइट, सो दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज अनरियलिस्टिक, मीन्स इट इज अनरियलिस्टिक, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. सो जो भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऑर्गेनिज्म करेगा वो तब करेगा जब रिसोर्सेज इनफाइनाइट होंगी, वो मैक्सिमल ऑप्टिमल ग्रोथ शो करेगा. ये एक तरीके की अनरियलिस्टिक ग्रोथ है. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को हम जियोमेट्रिक ग्रोथ भी कहते हैं. सो ये नाम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए. जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करेगा वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व भी शो करेगा. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का मतलब है जब हम डेंसिटी को कितने इंडिविजुअल्स कितने टाइम में बढ़ रहे हैं, जब हम ये प्लॉट करेंगे तो हम इसे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहेंगे. यहाँ पे एनसीईआरटी में आपको ये फिगर दी गई है जो मैंने आपकी एनसीईआरटी से ही ली है, और इस फिगर में आप ध्यान से देखो, आपको दो लाइंस दिखाई गई हैं, एक ये रेड वाली और एक ये ब्लू वाली. अभी हम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की बात कर रहे हैं, और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व हमेशा उसकी शेप क्या होती है, जे शेप. तो आपको ये जो ग्राफ स्क्रीन पे दिख रहा है इसमें पॉपुलेशन डेंसिटी ली गई है आपकी वाई एक्सिस पे, जिसे एन से रिप्रेजेंट करा गया है, और हम कुछ टाइम के हिसाब से हम डेंसिटी देख रहे हैं कैसे वैरी कर रही है, और टाइम लिया गया है आपकी एक्स एक्सिस पे. अब देखो ये जो रेड वाली लाइन है जिसके थ्रू मैं पैरेलली लाइन ड्रॉ कर रही हूं, ये कौन सा अल्फाबेट बना रही है, जी. राइट, सो जे शेप कर्व जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व है. यानी कभी भी जब आपको जे शेप कर्व दिखाई दे रहा है, इसका मतलब पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रही है, और ये कौन सा ग्रोथ कर्व एग्जिबिट कर रही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. सो अगर कभी भी आपको ये रेड लाइन मिले लेबलिंग के लिए तो आप डायरेक्टली समझ जाना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की है. अब ये एक्सपोनेंशियल कैसे, देखो हम लोग, ये हमारी लाइन है जहां से जीरो है. देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ते बढ़ते क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, यानी बढ़ती ही जा रही है. सो ऑप्टिमम ग्रोथ हो रही है क्योंकि रिसोर्सेज इनफाइनाइट है.
सो ये जो टर्म्स अभी तक हमने डिस्कस करी, ऑल दीज टर्म्स आर इम्पॉर्टेंट. वॉट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, वॉट इज द शेप ऑफ इट? इट इज जे शेप. इट इज एक्सिबिटेड वेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज अनरियलिस्टिक. अब इसके लिए आपको एक इक्वेशन दी गई है दैट यू हैव टू लर्न. व्हेन वी टॉक अबाउट डेंसिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन वी रिप्रेजेंट इट विद आर एन. यानी एक पर्टिकुलर टाइम में कोई डेंसिटी होगी, वो ये डेंसिटी है, और डेंसिटी कुछ टाइम बाद कितनी चेंज हुई वो आर पे डिपेंड करेगा. और आर को कैसे कैलकुलेट करते हैं? पर कैपिटा बर्थ रेट से हम माइनस कर देंगे पर कैपिटा डेथ रेट. सो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी आर. इस आर को हम इंट्रिंसिक ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी कहते हैं. सो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है व्हाट इज द इक्वेशन गिवन फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व. तो जो इक्वेशन दी गई है वो है ये वाली. इसमें आपको आर पता होना चाहिए क्या है. अब आर की कुछ वैल्यूज एनसीईआरटी में दी गई हैं दैट अगेन वी हैव टू लर्न. इसमें एक दी गई है नॉर्वे रैट की, जिसमें आर की वैल्यू जो है वो होती है 0.015. फ्लोर बीटल की आर वैल्यू यानी इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज इसका होता है 0.12. और 1981 में ह्यूमन पॉपुलेशन की जो आर वैल्यू थी वो थी 0.0205. सो लेट्स सम अप व्हाट इज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ. एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इज द एक्सपोनेंशियल राइज इन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, राइट? इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन एक्सपोनेंट्स फ्रॉम 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टू 64. दिस कैन हैपन ओनली व्हेन द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड एंड दिस टाइप ऑफ ग्रोथ इज अनरियलिस्टिक. इट कैन नॉट बी देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इफ वी प्लॉट सच टाइप ऑफ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इट इज जे शेप्ड, signifying that it is continuously increasing. The expression for this is, equation for this is dn upon dt rn. R is the intrinsic rate of increase which can be calculated by subtracting per capita death rate to per capita birth rate. Okay, so one type of growth we have already done. Now we are coming to second type of growth, which is logistic growth. Logistic growth is a one which is more realistic in nature, right? ये ज्यादातर मिलती है और सही मायने में यही growth हो गया है. वो imaginary type की growth है जो ज्यादा लंबे time तक नहीं रहेगी. It happens when resources are finite. जब आपके पास गिने चुने resources होते हैं तो ज्यादातर species logistic growth curve exhibit करती है. Logistic growth curve sigmoid बनाए सेम वैसा ही डीएन को प्लॉट करे डीटी के, तो व्हाट यू विल फाइंड कि दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व विल बी सी, राइट? दिस टाइप ऑफ ग्रोथ कर्व इनिशियली व्हाट हैपेंस, अ स्लाइट लैगिंग हैज बीन सीन. सो थ्री टाइप्स ऑफ स्टेजेस आर बीइंग सीन इन सच टाइप ऑफ ग्रोथ. वन इज नोन एज द लैग फेस, another is known as the log phase, and the third and the last phase is the stationary phase. Okay, so lag phase jahan pe growth kam hoti hai, log phase jahan pe growth bahut zyada hoti hai aur exponentially increase karti hai, aur stationary jahan pe static ho jati hai growth, right? So yahan pe dekho, इनिशियली यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे बेस से टच करके बनाएंगे विच विल शो द लैग फेस. इसके बाद ये ऊपर जा रही है और यहाँ पे देखो, यहाँ इस पॉइंट के बाद ग्रोथ स्टेशनरी बन गई. तो जिस पॉइंट पे ग्रोथ स्टेशनरी बनती है उसको हम कहते हैं कैरिंग कैपेसिटी. यानी अब इस एरिया में इससे ज्यादा पॉपुलेशन नहीं इंक्रीज हो सकती बिकॉज रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं. तो जब भी हम कैरी की बात करेंगे दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट लॉजिस्टिक ग्रोथ एंड दैट इज व्हाई इट इज कैपेसिटी एंड वी यूज द सिंबल के टू रिप्रेजेंट कैरी कैपेसिटी. सो
remember that logistic growth is more realistic in nature. It is S-shaped, as the other one was J-shaped. It is S-shaped. Sometimes we call it as sigmoid growth curve also. So sigmoid growth curve is a one which is S-shaped and represented by three phases, is log phase and stationary phase. Lag, when growth is lagging, log when it is increasing exponentially, and stationary means it has become static now, right? So we have talked about carrying capacity in this. Thus, its equation will become dN upon dt, same Rn that we have taken in exponential growth curve, but here an expression for the carrying capacity will also come. So here dN upon dt means density over a period of time. This R means the same R that was called intrinsic rate of natural increase in the case of exponential growth curve, right? These are the numbers initially. K again refers to carrying capacity and again refers to the number of individuals in a particular area, right? So if they will ask you what is the equation for logistic growth curve, then you have to write, this is the equation, and here you need to mention what is R, what is N, and what is K. Now, this equation that has been listed here, it is also known as Wohlhuis Pearl logistic growth. So these are the names of the scientists, Wohlhuis and Pearl, that gave it. That is why the name of the equation is known as Wohlhuis Pearl logistic growth equation also. So if in the exam you get the name of these scientists, do not get confused. That means they are asking about logistic growth. So if in the curve, suppose I am drawing here again a curve for you, and I am making two lines, one is going z wise and another is going in the form of s, and suppose I am asking you what is a, what is b, then you can answer in the comment what is a and what is b. And if you don't know the answer to this till now, please replay the video to clarify the concept, because this will definitely come in the board examination. Now, sometimes one more thing is asked in the exponential growth curve, that what is the mathematical form of it. So you need to learn the mathematical form of exponential growth curve is NtN0ERt. So Nt is, I'm writing for you, it is population density after time t, and N0 will be population density at time 0. Time 0 means initial time they are talking about. R, we have already told you that it is intrinsic rate of natural increase, and t is again the time, and E is the natural logarithm, base of natural logarithm, base of natural logarithm. Okay, I'm writing in short so that it can be completed in this much area only. I hope you have understood both the types of growth curves. Every year the question comes on this topic. So if they have given you in the question that rats are growing in the room and resources are in plenty, what type of a growth it would be, then you should quickly recollect that this is exponential growth and the growth curve would be J-shaped. And if they are saying that fishes are residing in a pond and resources are limited, what could be the type of growth? The growth will be logistic growth, and sigmoid shaped growth curve will be obtained in this case, which is more realistic. Most of the organisms, they exhibit logistic growth rather than exponential growth. There are some species that may exhibit exponential growth in the beginning, but over a period of time
they definitely show logistic growth. I hope you have understood the topic. Please subscribe to my channel. Share it with your friends. That would be the greatest help to your friends and even to me by getting more subscribers. Thank you. See you in next video.